तो आज के स्मैकडाउन के अंदर भाई कोडी रोड्स ने अपना वो थप्पड़ का बदला ले लिया रॉक से, जो कि भाई रॉक ने उनको रेसलमेनिया के किक ऑफ शो के अंदर मारा था। उसी के साथ साथ भाई सेट रॉलिंस ने क्या कुछ कहा हमारे रॉक से। आज का स्मैकडाउन बवाल था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हिंदी में बता दूं। सबसे पहले भाई रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है हमेशा की तरह, और भाई उसके बाद हमें रॉक देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस देखो भाई ब्लडलाइन के साथ आते हैं और रॉक भाई बाद में अकेले आते हैं। भाई शॉकिंग बात तो ये थी कि दोनों एक दूसरे को देखते नहीं है भाई, रोमन रेंस अलग ही देख रहे होते हैं और रॉक भी अलग ही देख रहे हैं। मतलब भाई दोनों एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। फिर भाई कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है और फिर भाई रॉक सामने की तरफ देखने लगते हैं। कोडी और सेट रॉलिंस हमें ऑडियंस के बीच से एंट्रेंस करते हुए दिखते हैं और फिर भाई ये चारों आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं हैरानी तो इस बात की थी कि भाई ऑडियंस किसको सपोर्ट करती है, रोमन रेंस और रॉक को या फिर कोडी रोड्स और सेट रॉलिंस को। लेकिन मैं यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस आई हुई होती है वो सारे भाई सेट रॉलिंस के ही चांस लगा रहे थे और भाई सारे लोग कोडी रोड्स और सेट रॉलिंस को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर भाई सबसे पहले कोडी रोड्स बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखो रॉक तुमने तो बोला था मैं ही WWE का सब कुछ हूं, तो फिर तुमने भाई रोमन रेंस को एक्नॉलेज कैसे किया? मतलब भाई तुम रोमन रेंस से डर गए तो ऐसे कोडी रोड्स धमकाना चाह रहे थे भाई रॉक को। फिर भाई इसी के ऊपर रॉक रिप्लाई करते हैं और रॉक भाई कोडी रोड्स से कहते हैं कि देखो कोडी रोड्स तुम्हें हमारे फैमिली के बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रोमन रेंस के दादाजी और मेरे दादाजी दोनों भाई भाई थे, तो मेरी फैमिली होने के नाते मैंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया है। और फिर भाई रॉक कोडी रोड्स को अपने कायदे कानून बताने लगते हैं। रॉक कहते हैं कोडी रोड्स को कि देखो अगर कोडी रोड्स तुम रेसलमेनिया के नाइट 1 के अंदर नहीं जीते तो फिर जो नाइट 2 होगा उस पे पूरी ब्रिटलैंड का राज होगा, मैं मतलब सबसे पावरफुल बंदा हूंगा इस मैच के अंदर जो कि कुछ भी कर सकता है। मतलब भाई रॉक अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे यहां पर। तो भाई रेसलमेनिया के नाइट 1 के अंदर हारे तो तुम्हें फिर से कोडी क्राई बेबी बनना पड़ेगा। फिर भाई पता नहीं क्या होता है, सेट रॉलिंस अचानक से भड़क जाते हैं और मतलब भाई सेट रॉलिंस को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर भाई सेट रॉलिंस ये कहते हैं कि चलो हमने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। और फिर भाई रोमन रेंस रिप्लाई करते हैं और रोमन रेंस कहते हैं देखो कोडी रोड्स तुम मतलब इतने डरपोक रेसलर हो कि तुमसे एक मैच ऑफिशियल ने किया गया, तुम्हारी जगह पे सेट रॉलिंस बोल रहा है। मतलब भाई सेट रॉलिंस तुम्हारे मामले में कैसे आ रहा है? भाई रॉक कोडी रोड्स को ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से भाई रॉक को थप्पड़ खाना पड़ता है कोडी रोड्स के हाथ का। रॉक कहते हैं कि देखो कोडी रोड्स तुम्हारी फैमिली के अंदर जितने भी भाई बहन है और जो तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम में भाई 20 साल के एज का डिफरेंस है, मतलब भाई तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है तुमसे। और बस भाई यही बात सुनकर कोडी रोड्स भड़क जाते हैं, भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स। और भाई कोडी रोड्स ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि रॉक ने उनके साथ किया था रेसलमेनिया के किक ऑफ शो में। कोडी रोड्स लगा देते हैं भाई एक जोरदार थप्पड़ रॉक के मुंह पे और फिर भाई जो रॉक का रिएक्शन था वो देखने लायक था भाई। और फिर भाई स्मैकडाउन यहीं पे एंड हो जाता है। मतलब भाई अब कोडी रोड्स ने तो बदला ले लिया अपने थप्पड़ का, अब देखते हैं रॉक अगले स्मैकडाउन के अंदर आते हैं फिर वो क्या करते हैं। तो भाई बस यही कुछ था आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो ऐसे रेसलिंग के अपडेट्स हिंदी में जानने के लिए चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।